हेलो दोस्तों, मैं विवेक। आप यदि इंडियन हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि अब इंडिया में आधार कार्ड कितना जरूरी है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट भी मिलेगा। क्या है बेनिफिट, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो फिर इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और यदि फास्टवे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगा, यदि इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिलेगा। चलिए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम अपनी हर चीज़ को आधार कार्ड से लिंक कर दें। क्या आधार कार्ड को लिंक करने से हमारा कोई बेनिफिट है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सिम कार्ड एक्टिवेशन। पहले के टाइम में जब आप सिम कार्ड लेते थे, एक्टिवेट होने में आपको लगता था 24 से 48 घंटे, लेकिन यदि आज आधार कार्ड से आप सिम लेते हैं तो आपका सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाता है तुरंत। चाहे जिस भी स्टोर में जाएं, आपका सिम कार्ड बस एक्टिवेट होगा आधार कार्ड से। अगली जो बात आती है वो है बैंक। पहले आपको बैंक में जाना था तो आपकी बहुत सारी आईडी लगती थी, लेकिन आज यदि आपको आपके बैंक में अकाउंट खोलना है तो आपकी बस एक आईडी लगेगी, वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड से आप बैंक में एक आईडी से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अगली जो बात आती है वो है सब्सिडी। यदि आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी चाहिए, चाहे वो गैस की सब्सिडी हो या सरकार कोई और सब्सिडी दे रही है, तो आपके पास आधार कार्ड होना मस्ट है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगली बात है पासपोर्ट। पहले पासपोर्ट बनवाने में बहुत सारा टाइम लगता था, जब उसका वेरिफिकेशन होता था क्या पता महीनों लग जाए, लेकिन अब आधार कार्ड की बदौलत पासपोर्ट का वेरिफिकेशन केवल और केवल 10 दिन में हो जाता है। वैसे आप लोग यदि वोट नहीं डालते तो वोट डालना चालू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे कि कौन सा नेता आपके लिए अच्छा है, कौन सा नेता बुरा है, बहुत गलत है। लेकिन अब आधार कार्ड की बदौलत जो फर्जी वोटिंग होती थी वो भी कम हो गई है, क्योंकि आधार कार्ड तो आपका है, थंब भी आपका लगा हुआ है, तो इंसान भी आप हैं। इसीलिए जो फर्जी वोटिंग पहले होती थी वो भी आधार कार्ड की बदौलत कम हो गई है। वैसे यदि आपको जनधन योजना का भी लाभ चाहिए, नरेंद्र मोदी जी जो भी आपको लाभ देते हैं, तो आपके पास आधार कार्ड है तभी आपको योजनाओं का लाभ मिलेगा। यदि आपको पेंशन मिलती है सरकार की तरफ से, आप सरकारी एम्प्लॉय थे, अब नहीं है, लेकिन आपकी पेंशन बरकरार है, यदि आपको उसको कंटिन्यू करना है तो आपको अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड से लिंक कराना पड़ेगा, तभी आपकी जो पेंशन है आपके बैंक अकाउंट में आएगी, और वो भी अच्छी तरह आएगी। एक बात ये जान लीजिए, अब यदि आपके पास आधार कार्ड है तभी आपको बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और यदि आप ये सोचते हैं कि यार अभी नहीं, कभी और बनवा लेंगे आधार कार्ड, तो आप अपना लॉस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कभी भी कोई कड़ा कदम उठा सकती है, और धीरे धीरे करके सरकार बहुत सारे चेंज कर रही है, चाहे वो आधार कार्ड को सिम से लिंक करना हो, चाहे आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना हो, चाहे आपके बैंक से। लेकिन आज के टाइम में आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो समझ लीजिए आप इस इंडिया में बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह सकते हैं। वंचित ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपकी बंद हो सकती हैं। तो जल्दी से जाइए आधार कार्ड सेंटर और जल्दी से अपना आधार कार्ड बनवा लीजिए। आई होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और यदि आपको लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।